हेलो एवरीवन आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट वी आर स्टार्टिंग द सिक्स्थ चैप्टर फ्रॉम होम साइंस क्लास ट्वेल्थ एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर तो अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो अभी तक हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने जाना कि फ़ूड सेफ़्टी क्या होती है फ़ूड क्वालिटी क्या होती है फिर हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा फ़ूड सेफ्टी का फ़ूड क्वालिटी का कि क्यों फ़ूड सेफ़्टी और फ़ूड क्वालिटी ज़रूरी है उसके बाद हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे जिसमें हमने फ़ूड सेफ़्टी के बारे में पढ़ा था टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ा था हज़ार्ड के बारे में पढ़ा था कि तीन टाइप के हज़ार्ड होते हैं फ़िज़िकल हज़ार्ड केमिकल हज़ार्ड और बायोलॉजिकल हज़ार्ड तो आज हम पढ़ेंगे फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में कि फूड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ठीक है तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक फूड स्टैंडर्ड्स इफेक्टिव फूड स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट क्वालिटी इन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सर्विस टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ हाइजीनिक होल सम फूड एज वेल एज टू फैसिलिटेट ट्रेड विद इन एंड बिटवीन नेशंस देखो फूड स्टैंडर्ड की ज़रूरत हमको क्यों है फ़ूड स्टैंडर्ड की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हम फूड की क्वालिटी का पता लगा सके फूड की क्वालिटी को इंश्योर कर सकें और जब फूड की क्वालिटी अच्छी होगी उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा उसकी सप्लाई साफ़ सुथरे तरीके से होगी तो ट्रेड भी बढ़ेगा हम एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में व्यापार भी आराम से कर पाएंगे ठीक है तो फूड स्टैंडर्ड इसलिए ज़रूरी होता है ताकि फ़ूड की क्वालिटी को बनाए रखा जा सके फूड की साफ़ सफाई को बनाए रखा जा सके और इन सब के साथ साथ जो सबसे इम्पॉटेंट चीज़ है वो ये कि ट्रेड को बनाए रखा जा सके ट्रेड को लगातार और भी अच्छा किया जा सके ताकि हमारा व्यापार आगे बढ़ता रहे हम एक देश से दूसरे देश के बीच में सामान को अपने फूड फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहें तो जब हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी हमारे फूड की क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी तो दूसरे कंट्री में हमारे फूड की डिमांड रहेगी इसीलिए फूड स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड की क्वालिटी को मेनटेन करने के लिए ठीक है देर आर फोर लेवल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोआर्डिनेटेड चार लेवल हैं स्टैंडर्ड्स के फूड स्टैंडर्ड्स के चार लेवल हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं कोऑर्डिनेटेड है ठीक है थीके? पहला है कंपनी स्टैंडर्ड दीज आर प्रिपेयर बाई अ कंपनी फॉर इट्स ऑन यूज नॉर्मली दे आर कॉपीज ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स देखो जो कंपनी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसी एक कंपनी का अपना खुद का स्टैंडर्ड होता है ठीक है अपने खुद के कुछ मानक होते हैं कंपनी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का को हिंदी में क्या बोलते हैं मानक बोलते हैं तो जो हमारे कंपनी स्टैंडर्ड होते हैं ना वो कंपनी के खुद के मानक होते हैं जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसकी क्वालिटी को इंश्योर करती है ठीक है और जनरली जो ये कंपनी स्टैंडर्ड होते हैं ये नेशनल स्टैंडर्ड्स को कॉपी करके बनाए जाते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद सेकेंड है नेशनल स्टैंडर्ड दीज आर इशूड बाई द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी जो हमारा नेशनल स्टैंडर्ड होता है ये नेशनल लेवल पर इशू कराया जाता है ये किसी कंपनी का खुद का मानक नहीं होता है यह एक राष्ट्रीय मानक होता है ठीक है फिर आता है हमारा रीजनल स्टैंडर्ड्स रीजनल ग्रुप्स विथ सिमलर जियोग्राफिकल क्लाइमेट एक्सेट्रा हैव लजिस्लेशन स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज जो हमारे ऐसे रीजनल ग्रुप्स होते हैं जो जिन जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं जिनका जियोग्राफिकल स्टेटस सिमिलर होता है जिनका क्लाइमेट जिनकी जलवायु सिमिलर होती है उनका आपस में आपसी सहमति से एक स्टैंडर्ड बन जाता है जिनको हम रीजनल स्टैंडर्ड बोलते हैं ठीक है थीके? उसके बाद आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ एंड कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन पब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को दो ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करती हैं पहली तो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिसको हम आईएसओ बोलते हैं दूसरी है कोडेक्स एलिमेंटारियस Commission, जिसको हम सी ए सी बोलते हैं ठीक है आई होप आपको चारों समझ में आए होंगे फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस इन इंडिया में कैसे फूड स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट किया जा रहा है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 (PFA 1954) was enacted by the Government of India. टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है मिलावट तो जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ट्रेशन एक्ट है वो कब आया था 1954 में आया था ठीक है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया था ताकि फूड में जो मिलावट हो रही है उसको रोका जा सके द एक्ट हैज बीन एमेंडेड एज पर नीड न्यूमिर टाइम्स ओवर टू हंड्रेड अमेंडमेंट्स और हर समय के साथ साथ जरूरत के हिसाब से ये जो एक्ट था इसमें संशोधन किए गए लगभग दो सौ से ज्यादा संशोधन इस एक्ट में किए जा चुके हैं किस एक्ट में पी एफ ए नाइनटीन फिफ्टी फोर में ठीक है ऑल फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया और इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड एंड सोल्ड इन इंडिया हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब अंडर दिस एक्ट जितने भी फूड प्रोडक्ट इंडिया में बनाए जाते हैं या इंडिया में इम्पोर्ट किए जाते हैं ठीक है उनके उनको क्या होती है उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करें इस एक्ट में जो जो बातें लिखी गई हैं उस बातों को पूरा करें अगर ये इन एक्ट में लिखी हुई बातों को हमारे देश में बनाए गए फूड प्रोडक्ट्स पूरा नहीं करते या जो हम बाहर से फूड प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं वो पूरा नहीं करते तो फिर उन प्रोडक्ट्स पर क्या लग जाता है बैन लग जाता है फिर उसकी जाँच की जाती है ठीक है इन एडिशन टू पी एफ ए देर आर अदर ऑर्डर्स और एक्ट दैट हेल्प टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिक फूड्स सच एज अब पी एफ ए तो है ही पी एफ ए की फुल फॉर्म क्या होती है अभी हमने पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट तो पी एफ ए तो है ही लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे ऑर्डर्स और एक्ट्स हैं जो फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं जो फूड क्वालिटी को इंश्योर करते हैं तो उनमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं पहला है फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर स्पेसिफिकेशन फॉर फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स आर लेड डाउन अब एक ऑर्डर है जिसका नाम है फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर इसमें नाम से ही आपको समझ में आ रहा है इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स को रखा जाता है उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है फिर सेकेंड है मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर इसमें क्या किया जाता है इसमें मीट की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है मीट को कैसे बनाया जा रहा है और फिर मीट को एकदम लाइसेंस मीट को बनाने का लाइसेंस है कि नहीं जो मीट को बेच रहे हैं उनके पास लाइसेंस है कि नहीं तो ये सारी चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? फिर है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर इसमें किसकी बात की जाती है जो भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वनस्पति तेल होते हैं उनकी बात की जाती है उनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है ठीक है अब हम बात करेंगे वॉलेंट्री प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की देर आर वॉलेंट्री ग्रेडिंग एंड मार्किंग स्कीम्स सच एज़ आई एस आई मार्क ऑफ बी आई एस एंड एग मार्क देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप की वॉल्ट्री ग्रेडिंग एंड मार्किंग स्कीम्स हैं उनमें से दो यहाँ पे हैं एक है आईएसआई मार्क और दूसरा है एग मार्क ठीक है जो आईएसआई मार्क है ये बीआईएस की स्कीम है बीआईएस का क्या मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तो ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को देखने के लिए अपने फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे नज़र रखने के लिए एक स्कीम तैयार की एक वॉल्ट्री सर्टिफिकेशन स्कीम तैयार की जिसका नाम था आई एस आई ये किन के लिए है ये प्रोसेस्ड फूड के लिए है ठीक है ऐसे फूड जिनकी प्रोसेसिंग हम करते हैं ठीक है आई तो एस आपको समझ में आया होगा आई किसके द्वारा निकाला गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जिसमें हम प्रोसेस्ड फूड की क्वालिटी की जांच करते हैं क्वालिटी को इंश्योर करते हैं किन की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं प्रोसेस्ड फूड की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं ठीक है एगमार्क इज अ वॉलेंट्री स्कीम ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रॉ एंड प्रोसेस्ड फॉर सेफ गार्डिंग द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स लेकिन जो हमारा एगमाक होता है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे दोनों तरह के हो सकते हैं रॉ भी हो सकते हैं और प्रोसेस्ड भी हो सकते हैं ठीक है जो हमारे कच्चे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उनकी भी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है साथ ही साथ हमारे जो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं ठीक है उनकी क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाता है ठीक है सिंस द government हैड सेवरल regulations एंड लॉ फूड इंडस्ट्री found it cumbersome देखो अब जो हमारी गवर्मेंट है उसके पास कई तरह के रेगुलेशंस हैं लॉज हैं इसी वजह से फूड इंडस्ट्री में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है क्योंकि इतने सारे रेगुलेशंस हैं लॉज हैं किन को फॉलो करे फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फूड इंडस्ट्री को नीड वॉज देयर फोर फेल्ट टू इंटीग्रेट ऑल सच लॉज फॉर रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ़ फ़ूड इसी वजह से इतने सारे जो लॉज थे रेगुलेशन थे इनकी वजह से प्रॉब्लम होती थी इसी वजह से ये ज़रूरत आ पड़ी कि इन सारे रेगुलेशन्स को सारे लॉज को एक कर दिया जाए किसी एक जगह पर रख दिया जाए ताकि फूड इंडस्ट्री को जो भी हमारे फूड इंडस्ट्री में फूड निर्माता हैं उनको पता चल सके कि कौन कौन से रेगुलेशंस कौन कौन से लॉज हमको फॉलो करने हैं ठीक है विथ दिस इन व्यू इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट एफ एस एस ए टू थाउजेंड सिक्स टू ब्रिंग द डिफरेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन परटेनिंग और टू फूड सेफ्टी अंडर वन अम्ब्रेला तो इसी वजह से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक आ, एक्ट लाया उस एक्ट का क्या नाम था फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ये कब आया था 2006 में आया था इसके अंदर जितने भी रेगुलेशंस थे लॉस थे सबको शामिल कर दिया गया था तो सारे फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी नियम कानून थे सबको एक छतरी के नीचे रख दिया गया यानी कि एक जगह पे रख दिया गया अब बहुत सारे रूल रेगुलेशंस नहीं थे जो अलग अलग जगहों पे थे जिनको हमको समझना पड़ता था नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है अब क्या है अब आप एक जगह सारे रूल्स रेगुलेशंस को सारे नियम कानून को देख सकते हो समझ सकते हो तो फूड इंडस्ट्री को फूड निर्माताओं को अब प्रॉब्लम कम होती है ठीक है तो अब एफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट आर टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू फूड इसमें क्या किया जाता है इसमें जो भी लॉज है जो कि फूड से रिलेटेड नियम कानून है उनको क्या कर दिया जाता है एक कर दिया जाता है उनको एक जगह पर रख दिया जाता है ताकि फूड निर्माताओं को खाद्य निर्माताओं को उन नियम कानून को समझने में आसानी हो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज अस्टैब्लिश्ड फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड एंड टू रेगुलेट देयर मैनुफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इम्पोर्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होल सम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो जो हमारी फ़ूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इंडिया की उसने क्या किया उसको इस्टेब्लिश किया गया था फ़ूड सेफ़्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्यों इस्टैब्लिश किया गया था क्योंकि इसमें क्या किया जाए फ़ूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब को एक जगह पर रखा जाए सब पे ध्यान दिया जाए फूड के मैन्युफैक्चर पे ध्यान दिया जाए फूड के स्टोरेज पे संबंधित नियम बनाए जाए उनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण पे ध्यान दिया जाए उनके बेचने पे आयात करने पे उनकी अवेलेबिलिटी पे कि फ़ूड कितने मात्रा में अवेलेबल हैं कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं फूड कितने हैं थोक में कहाँ कहाँ फ़ूड अवेलेबल हैं उनकी सेफ्टी कैसी है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही है कि नहीं ह्यूमन उसको खाएंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा इन सारे चीज़ों से संबंधित जो भी नियम हैं सबको कहाँ रखा गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर यानी कि एफ एस एस ए टू थाउजेंड सिक्स के अंदर द एक्ट हैज़ प्रोवेंशंस

इसमें क्या किया जाता है फ़ूड की साफ़ सफ़ाई की कंडीशन को देखा जाता है कि फ़ूड साफ़ सफाई से बनाया जा रहा है कि नहीं फूड का जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं फूड का जो भी फूड से संबंधित मैनेजमेंट हैं जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं ना कि फ़ूड खाने के बाद कोई रिस्क होगा इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और इनको एक साइंटिफिक मैनर में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ये सारे जो रूल्स बनाए गए हैं ना इनमें साइंस को बहुत ही ध्यान में रखा गया है ये सारी चीज़ें पी में नहीं थी ठीक है उसमें इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे रूल रेगुलेशंस को नहीं रखा गया था ठीक है द एफ एस एस ए रिफ्लेक्ट्स द इंटरनेशनल शिफ्ट इन फूड लॉज फॉर कंपोजिशनल स्टैंडर्ड्स और वर्टिकल स्टैंडर्ड्स टू सेफ्टी और हॉरिजोटल स्टैंडर्ड्स देखो एफ में क्या किया जाता है इंटरनेशनल बदलाव को भी ध्यान में रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फूड लॉज में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं कौन कौन से नए नियम आ रहे हैं इनको भी ध्यान में रखा जाता है ताकि हम फूड uh, का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके ताकि हम फूड से रिलेटेड जितनी भी ट्रेडिंग है जितने भी व्यापार हैं उनको बढ़ावा दे सके ठीक है तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको एफ एस एस ए ने ध्यान में रखा जो पी एफ ए में नहीं थी ठीक है उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन एंड अग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ़ फ़ूड स्टैंडर्ड्स क्वालिटी रिसर्च एंड ट्रेड कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेस बनी कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए फूड स्टैंडर्ड क्वालिटी रिसर्च और ट्रेड की फील्ड में जिससे फूड की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके उसकी स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सके और व्यापार को बढ़ाया जा सके सिंस एंशंट टाइम्स गवर्निंग अथॉरटीज द वर्ल्ड ओवर have made attempts to develop and implement food standards in order to protect health of consumers and prevent dishonest प्रैक्टिसेस इन सेल ऑफ फ़ूड देखो बहुत पुराने समय से ही बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई थी बहुत सारी अथॉरिटीज़ बनाई गई थी पूरे वर्ल्ड में जिसमें क्या किया था जिसमें ये ध्यान दिया गया था कि फ़ूड की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके फूड को ऐसा बनाया जा सके जिससे ह्यूमन की हेल्थ को बचाया जा सके जिससे ह्यूमन हेल्थ पे नुकसान ना हो और जितनी भी इलीगल प्रैक्टिस होती हैं जिसमें क्या करते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो हमारे निर्माता होते हैं वो uh, मिलावट करके या दूसरी इलीगल चीज़ें करके फूड में फूड को खराब करते हैं उन पे रोक लगाई जा सके ठीक है तो ये सारी चीज़ें बहुत पुराने समय से ही करने की कोशिश की जा रही थी देयर हैव बीन सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अग्रीमेंट्स विच हैव प्लेड अ रोल इन इन्हेंसिंग फूड सेफ्टी क्वालिटी एंड सिक्योरिटी फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड ट्रेड तो बहुत सारी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एग्रीमेंट्स बनाए गए थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे फूड की सेफ्टी को बढ़ाने में फ़ूड की क्वालिटी और सिक्योरिटी को बढ़ाने में और हमारे व्यापार को बढ़ाने में फ़ूड फूड की फील्ड में जो जो रिसर्च हो रही थी उनको बढ़ाने में ठीक है द मेजर ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्लेइंग अ की रोल आर अब कुछ जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फूड स्टैंडर्ड क्वालिटी रिसर्च और ट्रेड की फील्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं उनके नाम इस प्रकार हैं पहला है कोरेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी कि सी ए सी दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले सी ए सी की बात करते हैं सी ए सी इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स एंड फैसिलिटेट फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड ये जो हमारी सी ए सी है ये क्या है विभिन्न देशों के बीच की विभिन्न देशों की गवर्नमेंट की बीच गवर्नमेंट की द्वारा मिल के बनाई गई एक पॉलिसी है ठीक है जिसमें कई देशों की गवर्नमेंट ने हिस्सा लिया था कई देशों की गवर्नमेंट ने मिल के कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को बनाया है ठीक है जिसका मेन लक्ष्य क्या है कि लोगों की हेल्थ को बनाए रखा जा सके कंज्यूमर्स की हेल्थ को बनाए रखा जा सके और फूड और एग्रीकल्चर में जो भी व्यापार हो रहा है उसको बढ़ावा दिया जा सके इन 2017, थाउजेंड द मेंबरशिप ऑफ कोडेक्स वाज 187 मेंबर्स कंट्रीज एंड वन मेंबर ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन कम्युनिटी रिस्पेक्टिवली तो 2017 की अगर बात करें तो 2017 तक सी ए सी में वन एटी सेवन मेम्बर कंट्रीज़ थी और एक हमारा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन था ठीक है पूरे यूरोप को मिला के यूरोपियन कंट्रीज बने जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं ना उनको मिला के यूरोपियन कम्यूनिटी बनी थी तो उनको एक मेंबर की तरह माना गया है उसके अलावा वन एटी सेवन अदर कंट्रीज़ थी ठीक है

इंटरनेशनल पॉइंट है जहाँ पे फूड की क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है फ़ूड की क्वालिटी को लगातार बढ़ाने की बात बात की जाती है लगातार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को एक साथ मिला के जो भी दोन डिफरेंट कंट्री मिल के आपस में बात करती हैं आपसी सहमति के द्वारा उन लोगों में फ़ूड स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और उन फूड स्टैंडर्ड्स को हर किसी फूड निर्माता को मानना पड़ता है अगर वो नहीं मानेगा तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी उस पर कुछ चार्जेस लगा दिए जाएंगे उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी द डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय द सी ए सी इज कॉडक्स एलिमेंटेरियस विच मीन्स फूड कोड ठीक है फूड कोड एंड इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली एडोप्टेड फूड स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पे जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब जो जो रूल्स हैं हमारे सी एस सी के अंदर उसमें क्या किया गया है उसको उसका मतलब है फूड कोड एक फ़ूड कोड है जिसको जो है पूरे जो भी कंट्रीज़ हैं जितनी भी 187 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है उन सबको इस फूड स्टैंडर्ड को मानना है ठीक है द डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड्स

जो भी हमारा ट्रेड है उसको कैसे बढ़ाना है इन सब की बात की गई है और एक कैसे फेयर ट्रेड करना है फेयर ट्रेड यानी कि ऐसा व्यापार जिसमें किसी भी तरह की आ, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी ना हो ठीक है एक फेयर ट्रेड एक साफ़ सुथरा व्यापार करना है ठीक है डिफरेंट कंट्री यूज़ कोडेक्स स्टैंडर्ड्स टू डेवलप नेशनल स्टैंडर्ड तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि कोडेक्स स्टैंडर्ड का यूज़ करती हैं ताकि वो अपनी कंट्री के नेशनल स्टैंडर्ड को डेवलप कर सके ठीक है कोडेक्स इंडिया देखो अब कोडेक्स स्टैंडर्ड का यूज़ हमारी इंडिया ने भी किया है जिसको कोडेक्स इंडिया कहा गया है कोडेक्स इंडिया इज़ द नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट एन सी सी पी फॉर इंडिया ठीक है कॉडेक्स इंडिया को इंडिया ने कैसे अडोप्ट uh, किया एन सी सी पी के इट इज लोकेटेड एट द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डी जी एच एस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ये जो कॉडेक्स इंडिया है ये कहाँ पर लोकेटेड है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है ठीक है और इस जो ये जो कोडेक्स इंडिया है इसमें क्या किया जाता है इसमें जो भी हमारा सी ए सी के नियम हैं उनको फॉलो करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पे कोडेक्स इंडिया की वेबसाइट भी दी गई है नीचे आप इसको देखिएगा उसके बाद है सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानि कि आईएसओ द आईएसओ इज़ अ वर्ल्ड वाइड नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी आईएसओ मेंबर्स बॉडीज तो जो ये हमारा आई है ये क्या है ये एक नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन है मतलब ये कोई सरकारी संस्था नहीं है ये एक नॉन गवर्मेंटल गवर्नमेंटल फेडरेशन है ठीक है जिसमें क्या है जितनी भी आई की मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच स्टैंडर्ड उनके बीच स्टैंडर्ड की बात होती है उनके बीच गुणवत्ता की बात होती है ठीक है इनमें कुछ नियम बनाए गए हैं जिनको कौन फॉलो करता है आई की मेंबर कंट्रीज़ द मिशन ऑफ आई एस ओ इज़ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड विद अ व्यू टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड टू डेवलप कॉपोरेशन इन द स्पेयर्स ऑफ इंटलेक्चुअल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड इकनॉमिक एक्टिविटी देखो आई एस ओ क्या करता है ये जो भी हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है और उससे रिलेटेड एक्टिविटी है उसको प्रमोट करता है ठीक है यानी कि ये भी मानकीकरण का एक जरिया है जिसमें फूड प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाता है फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है उन पर नज़र रखी जाती है ठीक है इसके थ्रू क्या किया जाता है जो भी हम इंटरनेशनली गुड्स का सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है फैसिलिटी प्रदान की जाती है कि एकदम अच्छे तरीके से फूड और सर्विसेज का गुड uh, और सर्विसेज का एक्सचेंज हो पाए एंड टू डेवलप कॉपरेशन और इसमें क्या किया जाता है जो भी कंट्रीज हैं जो भी आई एस ओ की मेम्बर कंट्रीज हैं उनमें आपस में क्या हो कॉपरेशन हो आपस में सहयोग हो वो एक दूसरे को साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक सारे लेवल पर एक दूसरे को सहयोग करें द वर्क डन बाई आई एस ओ रिजल्ट इन इंटरनेशनल अग्रीमेंट विच आर पब्लिश्ड एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखो जो भी आई एस ओ के अंदर काम किए गए उनसे क्या हुए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए गए और इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में पब्लिश किया गया आई एस ओ नाइन थाउजेंड इज़ एन इंटरनेशनल रेफरेंस फॉर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स जो हमारा आई एस ओ नाइन थाउजेंड है ये क्या है ये एक इंटरनेशनल रेफरेंस है जिसमें फूड क्वालिटी के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए इट इज़ कंसर्ड विद क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या किया जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है उसकी क्वालिटी को मैनेज करने की बात की जाती है एडोपटेशन एडोपशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स इज़ वॉल्ट्री ये जो इस स्टैंडर्ड को ज़रूरी नहीं कि सब पे थोपा जाए ये क्या है ये वॉल्ट्री है आपकी मर्जी है किसी भी कंट्री की मर्जी है कि वो इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करती है या नहीं करती है द डिफ्रेंस बिटवीन कोडक्स एंड आई एस ओ आर गिवन इन द बॉक्स गिवन बिलो तो कोडक्स और आई एस ओ में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर डिफ्रेंस दिया गया है देखो कॉडिक्स के बारे में दिया गया है फिर आई के बारे में दिया गया है कॉडिक्स क्या है यूज टू डेवलप नेशनल रेगुलेशन इसमें क्या किया जाता है हर नेशन अपने अपने रूल्स रेगुलेशन को बनाता है ठीक है और ये जो आई होता है ये क्या होता है ये वॉलेंट्री होता है ये इसमें क्या होते हैं जितने भी मेंबर कंट्री है उनमें जरूरी नहीं है कि आई में जितनी भी मेंबर कंट्री है वो इस नियमों को माने वो हर नियम को माने ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कोडेक्स में क्या है जितनी भी मेंबर कंट्री है यानी कि वन एटी सेवन जो मेंबर कंट्री है साथ ही साथ जो हमारा यूरोपियन यूनियन है उन सब में कुछ नेशनल रेगुलेशन बनाए जाएंगे और फॉलो किए जाएंगे ये ज़रूरी हो जाता है ठीक है तो पहला डिफरेंस है कि इसमें ज़रूरी है इसमें वॉल्ट्री है सेकेंड है स्लो इन टू चेंज इनको चेंज करना बहुत ही धीमा है आप इनको आसानी से चेंज नहीं कर सकते स्टैंडर्ड आर रिव्यूड एवरी फाइव ईयर्स लेकिन आई एस ओ में क्या है हर पाँचवें साल जो स्टैंडर्ड्स हैं जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको रिव्यू किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको बदला भी जाता है डिस्क्राइब द मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस देखो जो हमारा कॉडक्स है उनके अंदर जो भी नियम हैं जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये क्या होती हैं इनको आराम से बदला नहीं जाता इनको ज़रूरत के हिसाब से बदला नहीं जाता तो ये बहुत लंबे समय तक एक जैसी चलती रहती हैं जिनको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि समय के साथ साथ रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहने चाहिए क्योंकि फूड मार्केट भी हमारा क्या हो रहा है बहुत ही तेजी से बदल रहा है ठीक है लोगों की डिमांड बहुत ही तेजी से बदल रही है वहीं पे जो हमारा आईएसओ है ये क्या है डिस्क्राइब करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस इसमें क्या किया जाता है आपने अभी पढ़ा कि हर पांच साल में इसको रिव्यू किया जाता है यानी कि इसके रूल्स रेगुलेशंस को हर पांच साल में जरूरत पड़ने पर बदला जाता है तो इसमें क्या किया जाता है नए नए नियम बनाए जाते हैं जिनको आसानी से लोग एडॉप्ट कर लेते हैं ठीक है अब क्या है थर्ड है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ डब्लू टी ओ वॉज इस्टैब्लिश इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव टी ओ कब बना था कब इस्टैब्लिश हुआ था 1995 नाइन्टी फाइव में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यू टी ओ इज़ टू हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूदली फ्रीली फेयरली एंड प्रिडिक्टिवली बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स असिस्टि असिस्टिंग कंट्रीज इन ट्रेड पॉलिसी इशूज़ देखो जो हमारा डब्ल्यू टी ओ है इसका जो मेन मकसद है वो क्या है ट्रेड को बढ़ावा देना कि ट्रेड बहुत ही अच्छे से चले फ्री ट्रेड हो ठीक है आराम से हो किसी भी तरह का बंधन ना हो किसी भी तरह का एक दूसरे पे क्या हो, कह सकते हो कि एक दूसरे को दबा के ना रखा जाए आराम से सब लोग ट्रेड करें और फेयर ट्रेड हो मतलब साफ सुथरा ट्रेड हो किसी तरह की बेईमानी ना हो किसी भी तरह का कह सकते हो कि इलीगल कोई भी चीज़ ना हो ठीक है और जो भी अग्रीमेंट्स बन रहे हैं वो कैसे हो वो बहुत ही अच्छे हो ऐसे अग्रीमेंट्स साइन हो जिससे कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं जो भी विवाद होते हैं उनको सॉल्व किया जा सके और जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबकी जो भी ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए और नई पॉलिसीज़ बनाई जाए ठीक है द डब्ल्यू टी ओ अग्रीमेंट कवर गुड सर्विस एंड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो डब्ल्यू टी ओ है इसके इसका जो अग्रीमेंट होता है इसके अंदर तीन चीज़ों को कवर किया जाता है गुड्स को यानी कि हमारे सामान को सर्विसेज यानी कि सेवाओं को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी ठीक है इन ऑर्डर टू इन्फोर्स एडोप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स देयर इज़ अ नीड फॉर अ स्ट्रोंग फूड कंट्रोल सिस्टम तो जो भी नियम बनाए जा रहे हैं उनको लागू करने के लिए उनको एडॉप्ट करने के लिए एक बहुत ही कठोर फूड कंट्रोल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है एन इफ़ेक्टिव फूड कंट्रोल सिस्टम मस्ट कंसिस्ट ऑफ और एक बहुत ही अच्छे इफेक्टिव फूड कंट्रोल सिस्टम में दो चीज़ें होनी चाहिए पहला है फूड इंस्पेक्शन दूसरा है एनालिटिकल कैपेबिलिटी सबसे पहले फूड इंस्पेक्शन की बात करते हैं कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू स्टैंडर्ड्स इज़ वेरीफाइड थ्रू इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन के थ्रू जांच के थ्रू फूड प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मानक को क्या किया जाता है कंफर्म किया जाता है कि फूड की क्वालिटी ठीक ठाक ही है कि नहीं उसको वेरीफाई किया जाता है दिस विल इंश्योर दैट ऑल फूड फूड्स आर प्रोड्यूस हैंडल्ड प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉम्प्लियंस विथ रेगुलेशंस इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि जितनी भी फूड्स हैं उन वो अच्छी तरह से बनाए गए हैं अच्छी तरह से उनको प्रोसेस किया गया है अच्छे से स्टोर किया गया है अच्छे से लोगों तक पहुंचाया गया है और सारे रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें की गई हैं ठीक है गवर्नमेंट मुंसिपल अथॉरिटीज अपॉइंट फूड इंस्पेक्टर टू तो इन्वेस्टिगेट द स्टेटस स्टे स्टे ऑफ क्वालिटी कन्फॉर्मिटी टू तो स्टैंडर्ड्स इन देयर लेबॉरट्रीज अब जो गवर्नमेंट है या तो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ है हर सिटी में अपनी एक म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है वो क्या करती है एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है जो इंस्पेक्टर क्या करता है फूड की क्वालिटी को कंफर्म करता है लैब लैब में जाता है उसकी क्वालिटी की जांच करता है और उस क्वालिटी को कंफर्म कर नेक्स्ट है एनालिटिकल कैपेबिलिटी देयर इज़ नीड फॉर वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट अक्रेडिटेड लेबॉरट्रीज टू कैरी आउट एनालिसिस ऑफ फूड तो जो फूड का एनालिसिस करना है फूड का जो मूल्यांकन करना है उसके लिए अच्छी लेबॉरट्री होनी चाहिए जिसको आ, अच्छे से आ, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जिस जिसमें बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हों जिनके थ्रू फूड की जाँच की जा सके फर्दर वेल ट्रेंड पर्सनल्स पर्सनल हैविंग नॉलेज ऑफ़ प्रिंसिपल्स ऑफ लेबॉरटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल केमिकल माइक्रोबाइलोजिकल एनालिसिस ऑफ फूड टेस्ट फूड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इसके साथ साथ क्या होने चाहिए अच्छे वेल ट्रेन्ड पर्सनस होने चाहिए वहाँ पर वेल ट्रेनड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जिनके पास लैब को मैनेज करने की जानकारी हो लैब के बारे में जानकारी हो फिज़िकल केमिकल और बायोलॉजिकल एनालिसिस uh, करना आता हो कि फ़ूड को कैसे हम देख के उनके बारे में समझ सकते हैं फ़ूड की क्वालिटी की जांच कर सकते हैं केमिकल के थ्रू फूड की क्वालिटी की जांच कर सकते हैं और जो भी उसमें जीवाणु हैं उनको देख के उनको समझ के फ़ूड की क्वालिटी की जांच कर सकते हैं ठीक है इसमें फूड टेस्ट किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जांच किया जाता है अ ब्रॉड रेंज ऑफ एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिटेक्टिंग फ़ूड कंटेमिनेशन इन्वायरमेंटल केमिकल्स बायोटॉक्सीन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया फूड बॉर्न वायरस एंड पैरासाइट्स तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के Uh, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्या होनी चाहिए इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू फूड में मिलावट की जांच होती है फूड में ये देखा जाता है कि कोई जीवाणु तो नहीं है कोई रोगाणु तो नहीं है फूड से किसी तरह की डिजीज़ तो नहीं हो सकती तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है इन सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है ठीक है अब है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आई होप आपको आज हमने जो भी डिस्कस किया सबको समझ में आया होगा जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं सब समझ में आए होंगे फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग